नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग थोड़ा खास रहने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं वृंदावन बांके बिहारी की चौखट पूजन के कार्यक्रम में। हमारे कोई रिलेटिव हैं, उन्होंने चौखट पूजन का कार्यक्रम रखा है तो वहीं जाने वाले हैं, लेकिन वो कल सुबह 6 बजे होगा। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से 3 बजे के आसपास, 5 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो पहले करेंगे प्रेम मंदिर के और वैष्णो देवी के दर्शन, उसके बाद वहाँ रात को स्टे करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन बांके बिहारी के चौखट पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये है मेरी बाय पहली बार राधा शर्मा, और ये दोनों का बच्चा माधा शर्मा। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं वृंदावन की धरती पर। दोस्तों आधा रास्ता कवर कर लिया है, बाकी आधा रास्ता अभी और रह गया है पहुंचने के लिए। तो पहले वैष्णो देवी के मंदिर चलते हैं और वहाँ मिलकर आपसे बात करते हैं वहाँ पहुँच कर। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं वैष्णो देवी मंदिर जो वृंदावन में स्थित है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि रात का समय हो गया है, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। अब हम चलते हैं अंदर दर्शन करने जाएंगे, लेकिन अंदर मंदिर के मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हो सकता है हम आपको अंदर के दृश्य ना दिखा पाएँ। तो पहले दर्शन करते हैं फिर बात करते हैं आगे की। दोस्तों रात के समय ये पहुँच गए हैं, करीब 6:30 बजे का टाइम है, और लगेज में टिकट वगैरह लगेज में बैग वगैरह रख दिए, उसकी टिकट भी ले ली है। धागा माना जाता है, देखो कितने सारे धागे बंधे हैं। बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है यहाँ धागा बांधने से, कितने सारे धागे बंधे हैं। ये मंदिर की आर्ट गैलरी, आओ इसके अंदर चलते हैं। मंदिर कब बना था, कैसे बना था, सारे फोटोज में लगे हुए हैं। स्ट्रक्चर का जब बना था मंदिर, कितने महीने में और कितने साल में बना था। आर्ट गैलरी है जो मंदिर बना था उसके लिए। मेरे पीछे मंदिर जाने का रास्ता है, आओ अंदर चलते हैं मंदिर के।
तब इंद्र भगवान ने पानी बरसाया था। अंदर का दृश्य जो आप देख रहे हो, अंदर के दर्शन है, क्या खूबसूरत नजारा। वे टू परकम्मा, ये परकम्मा का मार्ग है पूरी वैष्णो देवी का। आइए आपको साथ में परकम्मा लगवाते हैं। ये जो दिखाई दे रही है ये केवल शेर की पूंछ ही पूंछ है और मूर्ति है। माधो कहाँ चला गया था, जल्दी आ। वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं प्रेम मंदिर। अगर समय बचता है तो प्रेम मंदिर के दर्शन करते हैं। तो मित्रों, वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद टाइम हो गया ज़्यादा, तो प्रेम मंदिर हो चुका था बंद। तो अब हम आ गए स्टे करने के लिए रूम पर। तो हम नेक्स्ट डे अगले दिन प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेम मंदिर के दर्शन करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।